ना रोड सही है, ना नाली सही है, ना पानी है। भैया नाली से पानी हो रही थे, मच्छर काटते शाम को बच्चों को। अरे नहीं, बिजली का बिल तो घने दिन से रखा फिर। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। बताया जाता है जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं बहुत ही आराम से और शान से रहते हैं। केजरीवाल जी वैसे तो दिल्ली में बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैंने ये किया वो किया, पानी फ्री, बिजली फ्री, महिला के लिए बस फ्री। और आप यहाँ की हालत देख सकते हैं, आप रोड की हालत देखें, रोड कैसे टूटी फूटी है। और मैं लोगों से पहले बात करता हूँ कि यहाँ की हालात क्या है, उसके बाद तो हर चले गए बसन में तो हम घूम रहे हैं रोज जो फ्री कर रखी है। ये देखो ना हालात देखो ना यहाँ की, ना रोड सही है, ना नाली सही है, ना पानी है, कुछ है। गरीब आदमी कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है। पानी तो बताया जाता है दिल्ली में फ्री है पानी, वो भी मीठा पानी आता है। फ्री अब आ रहा है एक डेढ़ महीने से, फिर देख लेना ये पानी। इलेक्शन आ रहा है इसीलिए क्या? हाँ, इलेक्शन के वजह से दे रहे हैं पानी। और नहीं गंदा पानी पीते, नाली का पानी आता है वहाँ पीते हैं, कीड़े मकोड़े समझ रखे हैं। गरीब आदमी, जब गरीब आदमी ना होंगे तो मालदार आदमी कहाँ से बनेंगे? वो भी तो गरीब आदमी से बनने, मालदार आदमी कहाँ से वोट ले लेंगे जब गरीब आदमी होंगे तो। केजरीवाल जी बड़े वादे करते हैं कि झुग्गी झोपड़ी फाइव स्टार की तरह रहते हैं हमारे झुग्गी झोपड़ी वाले। सब वादे करते हैं सब लोग, कोई नहीं निभाता, निभाता कोई नहीं है। बिजली बिल भी आता है क्या? हाँ, अब नहीं आ रहा है दो तीन महीने से। बिजली का बिल हजार हजार रुपए, बारह बारह सौ रुपए भरे। इलेक्शन के कारण आ रहा है क्या? इलेक्शन के कारण है। हाँ, जो हमें वोट ना देंगे, हमें वोट ना देंगे, वोट दे देंगे फिर के बाद में यही देख लो। अच्छा, वोट लेने के बाद कोई नेता आता है देखने की काम हुआ कि नहीं? कोई नहीं आता, सब कहनी सुननी बात है, गरीब आदमी। क्या लगता है आंटी, नेता लोग वोट मांगने आते हैं उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कुछ नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई नहीं किसी को घास घेरता। जो किसी को जरूरत भी पड़ती है और उन नेताओं के घर पे जाएंगे तो घर वाले बोल देंगे यहाँ पे नहीं है, कहीं गए हैं, यहाँ नहीं है, कोई किसी की सुनवाई नहीं करता। केजरीवाल जी कुछ किए हैं गरीबों के लिए? गरीबों के मसीहा कहलाते हैं दिल्ली में। भाई केजरीवाल ने ये बिजली का बिल तो फ्री कर रखा है। आंटी तो बता रही है सिर्फ अभी दो महीने से फ्री हुआ है। अरे नहीं, बिजली का बिल तो घने दिन से कर रखा फ्री। बिजली तो बात कर रही है तू, हमने हजार हजार रुपए बारह बार। आप 200 यूनिट से ज्यादा उठा लेते होंगे ना? नहीं, कुछ नहीं उठाते। जो जितने सर्दी में क्या होता है, गर्मी में तो चलो पंखा चलते हैं, सर्दी में क्या होता है, कुछ नहीं। सर्दी में भी बिल आया? हाँ बिल आया, अभी नहीं है दो महीना से। क्या लगता है चुनाव के कारण ऐसा हुआ? पता नहीं भैया, चुनाव के कारण है या क्या है, हमारा तो बिल नहीं आ रहा भैया पाँच छह महीने से। क्या लगता है भैया, ये जो रोड की हालत है, पाइपे रोड पे है, नाली खुले पड़े हैं, बच्चे रहते हैं यहाँ, कैसे रह पाते? भैया नाली सफाई नहीं हो रही थी, मच्छर काटते शाम को बच्चों को। कहा जाता है झुग्गी झोपड़ी में बहुत सुविधा है, कैमरे लगे हैं, दवाइयाँ फ्री। कैमरे लगे कुछ नहीं है, चालू तो है नहीं है कैमरे, ना सामान चोरी हो रहे, फोन चोरी हो रहे, ना पर सब बंदों के सामान चोरी हो रहे, कुछ चेक तो करवाते नहीं। इसमें थाने में जाते हैं, थाने वाले कहते हैं उस इधर जाओ झुग्गी वालों के पास है तुम्हारे, चालू है नहीं कैमरे, बंद पड़े हैं ये सारे कैमरे ही बंद है। ये कुछ ही नहीं करते, इसमें सामान बहुत चोरी हो गया, ना पर फोन चोरी हो गए, कपड़े चोरी हो गए, किसी के कुछ चोरी हो गया, ना कुछ चेक तो करवाते नहीं है। ये ऐसी है, क्या लगता है सिर्फ ऐसे दिखावा के लिए लगा दिए क्या? दिखावा के लिए लगा रखा है, ऐसी कुछ नहीं है कैमरे में, दिखावा के लिए लगा रखे ऐसी है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।